ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर थ्री वीडियोज यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। यह हमारा टेक न्यूज का 302 एपिसोड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर थ्री वीडियोज यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड को। दोस्तों बात करें आज की पहली खबर की, तो यह निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस की तरफ से। दोस्तों वनप्लस ने हाल में ही अपने फ्लेक्सिबल डिवाइस वनप्लस 60 को लॉन्च किया है। अगर आप इस डिवाइस को यूज करते हैं तो ये जो खबर है आफी के लिए है, क्योंकि इस डिवाइस में एक नया अपडेट देखने को मिला है। इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग है उसमें जो आपको टाइम देखने को मिलता था वो अब कम लगेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआवे के ब्रांड ऑनर की तरफ से। दोस्तों 2017 के बाद ऑनर बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, और यहाँ पे जो दिवाली सेल चला है यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि ऑनर ने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा यूनिट को सोल्ड कर दिया है। मैं आपको बता दूं जो ऑनर का डिवाइस है आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन साथ ही साथ ऑनर स्टोर पे भी देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की ओर से। दोस्तों सैमसंग ने पिछले साल अपने नए डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी C7 Pro को लॉन्च किया था। अगर आप इस डिवाइस को यूज करते हैं तो खबर आफी के लिए है, क्योंकि इस डिवाइस में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला। इस अपडेट के माध्यम से एंड्रॉइड 8.2 ओरियो का अपडेट आपके डिवाइस में आ गया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस 60 की तरफ से। दोस्तों वनप्लस ने हाल में अपने डिवाइस वनप्लस 60 को लॉन्च किया था। यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसके माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे जो यूज किया गया फिंगरप्रिंट सेंसर को डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे वास्तविक रूप में एक छोटा सा कैमरा का सेंसर है जिसे यूज किया जाता है ऑपरेशन के दौरान लाइट अप करने के लिए। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है फिनलैंड की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HMD ग्लोबल नोकिया की तरफ से। दोस्तों नोकिया अपने एक नए डिवाइस नोकिया 8.1 को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस डिवाइस से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है। आने वाले ये डिवाइस इसमें आपको देखने को मिल सकता है गूगल का AR कोर का सपोर्ट। बेसिकली AR कोर के सपोर्ट के माध्यम से, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी के सपोर्ट के माध्यम से आने वाले इस डिवाइस में आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ आर्टिफिशियल चीज को, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी भी चीज को आप इमेजिन कर रहे हैं, आपने कैमरा रखा और रोड पे कुछ नहीं, आप चाहते हैं कि गाड़ी आ जाए, तो उस ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप गाड़ी को ला सकते हैं या फिर किसी मैन, या तरह तरह की चीजें आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः प्रसारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।